आज का हमारा लेक्चर है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? इट इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम अननोन रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार रजिस्टर लगे होते हैं, R1, R2, R3 और R4। इनमें से एक हमारे पास अननोन होता है और तीन हमारे पास नोन होते हैं। ठीक है, यानी हम चार रजिस्टर यूज करेंगे, तीन की वैल्यू हमें पता होगी, चौथे की हम इसको यूज करके फाइंड कर लेंगे। तो ये सबसे पहले इसका आइडिया दिया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, इसलिए इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये साइंसदान के नेम से है, व्हीटस्टोन के नाम से। तो इसमें हमारे पास चार रजिस्टर होती हैं, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, और उनको हम इसी शक्ल में कनेक्ट करते हैं, यानी जो हमारे पास R1 है उसका एक सिरा हम R3 से कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा R2 से कनेक्ट करेंगे। इस तरह जो R2 का दूसरा सिरा है वो R4 से कनेक्ट करेंगे, इस तरह R3 का जो दूसरा सिरा है वो भी हम R4 से कनेक्ट कर देंगे। तो यानी हमने इस शक्ल में, ये जो हमारे पास स्क्वायर नजर आ रहा है, इसी शक्ल में हमने इनको कनेक्ट करना होता है। तो इसको चार टर्मिनल हम नाम देते हैं। ठीक है, टर्मिनल ए, बी, सी और डी। टर्मिनल ए और सी पे हम बैटरी अप्लाई करते हैं, यानी वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, टर्मिनल बी और डी पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया होता है। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव मीटर होता है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ करंट की बहुत स्मॉल अमाउंट को मेजर करना हो तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। वैसे तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एम मीटर है और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत स्मॉल अमाउंट में ये मेजर भी कर लेता है। तो टर्मिनल बी और डी के दरमियान हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और टर्मिनल ए और सी पे हमने वोल्टेज या वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब सर्किट डायग्राम देखें तो हमारे पास तीन लूप बन रहे हैं। ठीक है, ए लूप हमारे पास बनेगा ए बी डी ए। ठीक है, एक लूप बनेगा ए बी डी ए, क्योंकि ये एक हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो रहा है। दूसरा हमारे पास बनेगा बी सी डी बी और तीसरा हमारे पास बनेगा ए सी डी ए, यानी हमारे पास तीन क्लोज लूप बन रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किरचॉफ सेकंड रूल में कि हमने लूप कैसे लगाने हैं, तो अब हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में तीन क्लोज लूप बन रहे हैं, तो हम तीन लूप बनाएंगे। ठीक है, तो एक लूप हमारे पास होगा ए बी डी ए, दूसरा होगा बी सी डी बी और एक होगा ए सी डी ए। ठीक है, तो हमने इसमें जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों लूप हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं। तो फिर हम इनके लिए इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके हम अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 ज्वाइंट टूगेदर इन सच अ वे सो दैट इट फॉर्म अ लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, कंबाइन चारों कौन सा लूप बन रही है, ए बी सी डी ए, एक ये लूप बन रहा है। अ सोर्स ऑफ EMF E विद अ स्विच S इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी पे हमने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी पे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें से करंट फ्लो करेगा। अच्छा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है इस शक्ल में, जो बी से डी आ रहा है या डी से बी आ रहा है। तो हम जानते हैं कि करंट तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम जीरो करते हैं तो करंट भी फ्लो नहीं होता। इफ पॉइंट्स बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, जिस टाइम पे
जिस टाइम पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा और उस टाइम जो गलवानोमीटर की नीडल है वो दरमियान में आ जाएगी, यानी जीरो पे आ जाएगी, ठीक है, यानी वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और उसे हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब है बी और डी पॉइंट के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि हम अननोन रेजिस्टर को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टर की वैल्यू को, रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इसमें चार रेजिस्टर होती हैं R1, R2, R3, R4, इन चारों में से एक हमारे पास अननोन होगी, बाकी तीन हमें पता होंगी उनकी वैल्यू से, और उसको हमने इसी तरह कनेक्ट करना है कि ए बी सी डी ए कंप्लीट लूप बन रहा है, ए और सी पे हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देना है और बी और डी के दरमियान हमने गलवानोमीटर लगाना है। गलवानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो करंट बी और डी के दरमियान फ्लो करेगा और गलवानोमीटर डिटेक्शन शो करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है। जिस टाइम पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो बी और डी के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और गलवानोमीटर की डायरेक्शन जीरो हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, यानी बी और डी के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास देखे तीन लूप बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी डी ए, एक बनेगा बी सी डी बी और एक बनेगा ए सी डी ए। ठीक है, तो हमने तीन क्लोज लूप के लिए हमने लूप की इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी डी ए, तो हमने इसमें करंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है कि इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी करंट सारे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं और लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो इस लूप में से हमारे पास करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है और इसमें करंट आई थ्री है। तो सबसे पहले हम लूप ए बी डी ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं। जी मुजम्मिल, जी मुजम्मिल बेटा, मैंने कहा कि डायरेक्शन का कैसे पता चलता, डायरेक्शन का बेटा डायरेक्शन बेसिकली हमें बैटरी बताती है ना, तो इधर से देखें तो करंट ऐसे ही फ्लो होना, क्योंकि यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर एक से ज्यादा बैटरी होती फिर हम देखते हैं जिसकी ईएमएफ ज्यादा है उसके हिसाब से करंट फ्लो करता है, अभी क्योंकि एक ही बैटरी है तो हम फिर एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन भी यह लूप भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे लूप ए बी डी के लिए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, हम स्टार्ट करते हैं बी से, तो इसमें करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, लूप भी ऐसे लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल चेंजेस माइनस आई वन आर वन। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था कि अगर लूप की और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगी, सेम हो तो नेगेटिव आएगी, तो हम जितने भी सर्किट सॉल्व करेंगे ना हम उनकी सेम रखेंगे और नेगेटिव ही लिए करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस आई वन आर वन, ये आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल चेंजेस है। उसके बाद आ गई हमारे पास गलवानोमीटर की, या इसकी हम बात कर लेते हैं आर थ्री की, लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है।
अच्छा इसमें इस रजिस्टर में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, आई वन नीचे को आ रहा है इस तरफ और आई थ्री ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। इस रजिस्टर में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं इस लूप की वजह से, आई वन इस डायरेक्शन में और इस लूप की वजह से आई थ्री इस डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे माइनस आई वन माइनस आई थ्री, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन, दोनों करंट की डायरेक्शन सेम होती आई वन और आई थ्री तो हम ऐड कर लेते, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, हम लिखेंगे आई वन माइनस आई थ्री, यानी जो लूप हम कंसीडर कर रहे होंगे उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम आर जी कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में से भी दो करंट फ्लो हो रहे हैं, आई वन की बात करें तो आई वन ऐसे फ्लो हो रहा है यानी ऊपर की तरफ, और आई टू इधर से नीचे की तरफ है, यानी गैल्वेनोमीटर में से आई वन और आई टू करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो लूप से हमें नजर आ रहा है कि आई वन ऊपर को फ्लो करेगा और आई टू नीचे को, तो हम लिखेंगे माइनस आई वन माइनस आई टू इंटू आर जी। बेटा इस इक्वेशन के लिखने की समझ आ गई है? इसकी समझ नहीं आई। किसकी? आई वन माइनस आई टू। अच्छा वो देखें जरा, अब हम बात कर रहे हैं जी, हमने पोटेंशियल चेंजेस लेनी है आर जी के अक्रॉस, ठीक है। तो हम पोटेंशियल चेंज कैसे लेते होते हैं कि उसके रेजिस्टेंस क्या है और करंट क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें देखें तो आई वन करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है और आई टू करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, या आई वन ऐसे है आई टू ऐसे है। अगर तो दोनों की डायरेक्शन होती सेम तो हम तो ऐड कर देते, जैसे आपने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी पहले, करंट स्केलर है लेकिन इसकी डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, एक एफ वन है एक एफ टू है, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम एफ वन माइनस एफ टू करते होते हैं, अगर डायरेक्शन सेम हो तो हम दोनों को ऐड करते हैं। तो जब इसमें से आई वन ऊपर को है और आई टू हमारे पास नीचे को है, हमने बताना है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना पास हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में से एट ए टाइम दोनों करंट पास हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि लूप आई वन वाला कंसीडर कर रहे हैं तो जो लूप हम कंसीडर करेंगे उसमें से दूसरे को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है, कंपोनेंट में से अगर दो करंट पास हो रही हैं तो आपने अपने लूप वाले में से दूसरे को माइनस कर देना है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास आर थ्री है, आई वन देखें इधर को है, आई थ्रो इधर से इधर को है, तो हम आई वन माइनस आई थ्री करेंगे। बड़ा बात समझ आई? ठीक है। तो जब भी किसी कंपोनेंट में से जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल चेंजेस ले रहे हैं, एक से ज्यादा करंट फ्लो कर रहे हो, तो हम अपना जो हम लूप कंसीडर कर रहे हैं उसमें से दूसरे को माइनस करते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो। अगर उसकी और दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती तो फिर हम ऐड कर देते। इसी तरह अब हम इक्वेशन लिखेंगे बी सी डी बी के लिए, यानी हम इस लूप के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास आई टू है, तो इसके अक्रॉस हमारे पास आ जाएगा माइनस आई टू आर टू, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर, तो आई टू इसमें से नीचे को है। ये माइनस कैसे आया? क्योंकि हमने करंट की और लूप की, माइनस कैसे आया? क्योंकि बेटा हमने करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम ली है, ठीक है। अगर हम उनकी डायरेक्शन अपोजिट लेते तो पॉजिटिव आता है, लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम ले रहे हैं तो ये नेगेटिव आ गया। बात समझ आई? यस सर, आ गई। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, लेकिन लूप की डायरेक्शन तो उसके ऑपोजिट भी है, सेम भी जा रही है।
मतलब आर फोर में तो लूप के ऑपोजिट है ना, आर फोर में नहीं जी सर। देखें अगर हम इस लूप की बात करें ना, तो इस लूप में जो हमारे पास हमने कंसीडर किया करंट वो ऐसे है, ठीक है। हर लूप में करंट की डायरेक्शन हम चेक कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अगर हम सिर्फ ये लूप कंसीडर करेंगे तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे ही आएगी। बात समझ आई? आई टू उसमें से ऐसे ही पास होगा, लेकिन आई थ्री ऐसे पास होगा। बात समझ आई? लूप की डायरेक्शन है ना करंट, तो सी से लेकर फिर ए में जा रहा है ना बेटा। करंट जब भी हम जितने कंपोनेंट लगा देंगे ना, करंट हर डायरेक्शन में पास होता है। अच्छा ये बैटरी जो करंट इधर जा रहा है ना, अब इसमें इस पॉइंट पे जाके करंट डिवाइड होगा, जो करंट होगा कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर आएगा। उसके बाद इस पॉइंट पे जाकर करंट दोबारा डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर आएगा कुछ करंट इधर आएगा। अच्छा इस पॉइंट पे जाके करंट दोबारा डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर आएगा कुछ करंट इधर आएगा। यानी करंट को जितने रास्ते मिलते जाएंगे हर रास्ते में करंट फ्लो करेगा। जैसे अगर हमारे पास नहर हो, ठीक है, नहर में से आप जितनी ब्रांचें निकाल दे पानी हर ब्रांच में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह करंट है, करंट को जितने रास्ते मिलेंगे वो करंट हर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये आई वन है ये आई टू है, क्योंकि करंट की जो क्वांटिटी है ना वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, हम कहते हैं ये यहाँ से करंट फ्लो है, यहाँ तक मैक्सिमम होगा, लेकिन आगे जाके करंट डिवाइड हो गया। जब आगे जाके करंट डिवाइड होगा फिर उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, क्योंकि कुछ इधर आ गया कुछ इधर आ गया। बात समझ आई है? ठीक है। अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं लूप टू की, तो माइनस आई टू आर टू आ गया। उसके बाद हम बात करें गलवानोमीटर की, तो गलवानोमीटर में से आई वन ऊपर को फ्लो कर रहा है, आई टू नीचे को फ्लो कर रहा है। तो अच्छा अब हम लूप टू कंसीडर कर रहे हैं ना, तो आई टू माइनस आई वन करेंगे, क्योंकि अब हमारा लूप टू है। पहले जब हमारा लूप वन था तो हम क्या कर रहे थे, I1 माइनस I2 कर रहे थे। अब हमारा लूप 2 है तो I2 माइनस I1 इंटू आर जी आ गया। उसके बाद हमारे पास है R4, R4 में क्या है कि I2 ऐसे पास हो रहा है I3 ऐसे पास हो रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा I2 माइनस I3 इंटू आर फोर। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। माइनस I2 R2, उसके बाद गलवानोमीटर में से I2 नीचे को I1 ऊपर को, तो I2 माइनस I1 इंटू आर जी, और R4 में से I2 ऐसे है I3 ऐसे है, तो I2 माइनस I3 इंटू आर फोर। बेटा इक्वेशन लिखनी आ गई? आगे बस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो, तो इसमें चार रजिस्टर्स लगाने की जरूरत, चार रजिस्टर्स लगाने की क्या जरूरत थी, दो भी लगा के तो वो मालूम किया जा सकता था रेजिस्टर। बेटा उसके लिए हमें करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए थी कि I1 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है और I3 की वैल्यू क्या है। अब हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू होंगी। यानी करंट की वैल्यू अगर हमें नहीं भी पता ना, सिर्फ हम नॉन रेजिस्टेंसेज की वैल्यू यूज करके अननोन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो हम एक से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से, अगर हमें आई वन आई टू आई थ्री पता हो तो हम इसमें से जो आई आर थ्री आर जी पता तो आर वन फाइंड कर लेंगे। बात समझ आ गई? उसके बाद हमारे पास होगी बैलेंसिंग कंडीशन। अच्छा गलवानोमीटर में से देखें आई वन ऊपर को फ्लो कर रहा है और आई टू नीचे को फ्लो कर रहा है। जब पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है जितना करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है उतना ही करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, दोनों कैंसिल होके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि I1 और I2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अंडर बैलेंस कंडीशन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड डी बिकम सेम,
so potential difference becomes zero and the current passing through the galvanometer will be zero. तो जब I1 और I2 इक्वल होंगे हमारे पास गलवानोमीटर बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने I1 इक्वल I2 के इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। ठीक है, हम पुट कर रहे हैं जी I1 इक्वल है I2 के। तो इधर हमारे पास I1 माइनस I2 वो इक्वल टू जीरो हो गया इक्वेशन वन में। माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री इक्वल टू जीरो। तो माइनस आई वन आर वन इक्वल आ गया आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री। जब हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट में हमारे पास आई वन माइनस आई टू तो वो क्या हो गया जीरो। तो माइनस आई टू आर टू माइनस आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर। तो यहाँ से आ गया माइनस आई टू आर टू इक्वल आ गया I2 माइनस आई थ्री इक्वल आर फोर, क्योंकि अब I1 I2 के इक्वल है तो I2 की जगह हमने क्या लिख दिया I1। तो अब थ्री और फोर इक्वेशन हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन थ्री बाय फोर। तो माइनस हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड होती है, राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड होती है। तो माइनस आई वन आर वन डिवाइडेड बाय माइनस आई टू आर टू इक्वल है I1 माइनस आई थ्री आर थ्री ओवर I1 माइनस आई थ्री आर फोर। तो ये I1 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, I1 माइनस आई थ्री कैंसिल I1 माइनस आई थ्री से। तो हमारे पास आ गया R1 ओवर R2 इक्वल है R3 ओवर R4। ठीक है, यानी R1 ओवर R2, देखें R1 ओवर R2 इनकी जो रेशो है इनकी रेशो के इक्वल होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया R1 ओवर R2 इक्वल R3 ओवर R4 के। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आई है उसमें हम देखें तो सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 ओवर R2 इक्वल R3 ओवर R4 के। तो इसमें से एक हमारे पास अननोन होगी, बाकी तीन नोन होगी तो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि R4 बी द अननोन रेजिस्टेंस, देन वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3 सो एडजस्टेड दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी जीरो इन सच कंडीशन फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 द अननोन रेजिस्टेंस R4 कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। तो जो हमारे पास एंड वाला रिलेशन आया है उसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है। बात समझ आ गई? तो व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके हम अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस की फाइंड कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे पास चार रजिस्टर होते हैं R1, R2, R3 और R4। इसको हमने इसी तरह लगाना है कि एक लूप ए बी सी डी ए बन जाए। पॉइंट ए और सी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है और बी और डी के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर लगाना है जो कि करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो जब स्विच क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या जब पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो फिर बैलेंसिंग कंडीशन को यूज करके हमने फाइंड करनी है अननोन रेजिस्टेंस। अब मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं कि हमने तीन लूप बना लिए, एक में आई वन आई टू और आई थ्री, उसके लिए हमने लूप की इक्वेशन लिखनी है। तो बी ए बी डी ए के लिए लिखते हैं तो माइनस आई वन आर वन आई वन माइनस आई थ्री, क्योंकि आई वन ठीक है आर थ्री, और इसमें से आई वन माइनस आई टू इंटू आर जी आ गया। इस तरह जब हम टू के लिए लिखेंगे तो माइनस आई टू आर टू, इधर से आई टू माइनस आई वन इंटू आर जी, और इधर के लिए आई टू माइनस आई थ्री इंटू आर फोर। तो इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि आई वन किसके इक्वल हो जाएगा आई टू के। तो इस इक्वेशन में भी आई वन आई टू के इक्वल पुट करें, इसमें भी आई वन आई टू के इक्वल पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा
जीरो, जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास थ्री और फोर, आई टू आई वन की इक्वल है। थ्री और फोर को डिवाइड करेंगे तो रिलेशन आ गया आर वन ओवर आर टू इक्वल आर थ्री ओवर आर फोर के। तो इसमें से तीन वैल्यू जो नोन होंगी हमें, उनकी मदद से हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि अगर हमारी आर फोर अननोन हो तो हम आर थ्री आर टू और आर वन की वैल्यू यूज करके हम आर फोर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन हो? पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कैसे कर सकते हैं? रजिस्टर की वैल्यू से मतलब बाकी रेजिस्टेंसेस चेंज भी करने पड़ सकते हैं। हाँ जी, वो चेंज भी, ये हम वेरिएबल लगाएंगे ना, यानी आर टू आर वन आर थ्री की वैल्यू चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू ऐसी लगानी है कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो उधर हम वेरिएबल लगाएंगे कि जिस पॉइंट पे आगे वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन किसी का?